हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हाल ही में अमोघनीला प्रभु ने जिस्कॉन के ब्रह्मचारी है, जिस्कॉन द्वारका के प्रेसिडेंट है, काफी जाने माने हैं वो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, उनके जो दर्शन के बारे में कुछ तथ्य रखे हैं उसको लेके काफी चर्चा है, तो उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कोई इंसान और दूसरे इंसानों के बीच लड़ाई नहीं है, कोई पर्सन या पर्सनालिटी और दूसरे पर्सनालिटी के बीच में लड़ाई नहीं है, ये आदर्शों के बीच लड़ाई है, ये दर्शन के बीच लड़ाई है, तो इसको पर्सनली मत लीजिए। हमारे हृदय में सबके प्रति सम्मान है, लेकिन जब दर्शन की बात आती है, जब सच्चाई की बात आती है, जब सत्य की बात आती है, तब हमें सत्य बोलना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे आज हम लोग ये चर्चा स्टार्ट करेंगे। ये पर्सनैलिटी के बीच लड़ाई नहीं है, यहाँ पे भावुक नहीं होना है, यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, यहाँ पे सच्चाई को प्रस्तुत करना है। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। लीला प्रभु जी, आप इस कौन से हैं? द्वारका से हैं, वहां की प्रेसिडेंट है शायद। मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं, थोड़ा बहुत देखे यूट्यूब में, यूट्यूब से आपको हम जानते हैं। आपने ये जो सारी बातें कही है ना, उन दिनों में यूट्यूब नहीं था, और यूट्यूब नहीं था तो स्किपेबल एड भी नहीं था, वहां पे विवेकानंद और रामकृष्ण को आना भी नहीं पड़ता था ये कहने के लिए इसको स्किप मत कीजिए। बिजनेस की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज थी, वो जनसेवा। आप जो भी है, मैं आपको ये विनती करता हूं कि अमोघनीला प्रभु या जो भी हम लोग इस्कॉन से एड करते हैं, उस एड के पैसे से हम लोग इंद्र तृप्ति नहीं करते हैं, उस एड के पैसे से हम लोग मंदिर बनाते हैं, उस मंदिर में भोजन का प्रबंध होता है। कोविड के टाइम में करोड़ों दिल्ली वासियों को इस्कॉन द्वारका अमोघनीला प्रभु के तत्वावधान में कितने लोगों को खाना दिया गया है, इसका ऐसा मजाक मत उड़ाइए। आपने कहा है जोतो मो तोतो पोत, ये गलत है। आप अगर हिमालय की चोटी में पहुंचना चाहते हैं, आखिरकार जो भगवान के पास आपको लेके जाता है, अब उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, जिस दिशा से भी आप आ रहे हो ना, वहां पे आप पहुंच सकते हो, क्योंकि रास्ता जैसा भी हो, इधर से भी हो, मार्ग जैसा भी हो, डेस्टिनेशन एक ही है। आप उदाहरण दिए कि कोई अगर हिमालय के चोटी पे पहुंचना चाहता है तो चाहे वो उत्तर से आए या दक्षिण से आए या पूरब से आए या पश्चिम से आए, वो वहां पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई हिमालय से दूसरे डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो उसको रोकेगा कौन? वो वाला पथ क्या उसको हिमालय के चोटी तक लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। तो ये उदाहरण मत दीजिए, कोई भी रास्ता पकड़िए, आप हिमालय चोटी पहुंच नहीं पाएंगे। आप हिमालय उत्तर में, आप जा रहे दक्षिण की तरफ, कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण को ऊपर जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, गोपेंद्र चौधरी, वो सर क्या कर रहे हैं, फिर आपको भी सुनाए। रामकृष्ण परमहंस देव जो बोला था जो तो मत तो पथ, इसका मतलब है रूट विल बी डिफरेंट बट डेस्टिनेशन विल बी सेम। हम लोग जहां से भी जा सकता। यहाँ पे जो आप बोले, शास्त्रिक कोई बेसिस नहीं है। जो आप ये चीज बोले कि कोई भी रास्ता आपको भगवान के पास ले जाएगा, इसका कोई बेसिस नहीं है। आप क्या कोई शास्त्र का उदाहरण दे सकते हैं जहां पे लिखा है कि आप कोई भी रास्ता पकड़िए, आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे? रास्ता क्लियर है, भगवान बता रहे हैं कृष्ण गीता में, सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापे मोक्ष यशामि मा शोच। सब धर्म को परित्याग कीजिए और मेरा शरण लीजिए। गीता में जो श्लोका है, मैं प्रमाण के साथ ये बताऊंगा कि जतमो ततपद जो रास्ता है, वो गीता में कृष्णा खुद ही उसका खंडन कर रहे हैं। देखिए भगवद गीता 7.23 में क्या बोलते हैं, देवं देव यजयन्ति मदभक्त यन्ति माम अपि। इसका मतलब क्या है, दो जो वर्शिप द डेमिगॉड्स गो टू द प्लैनेट्स ऑफ डेमिगॉड्स, बट माई डिवोटी अल्टीमेटली रीच माई सुप्रीम प्लैनेट। अंतवत्तु फलम तेसम तद भवति अल्पमेदसम। अल्पमेदसा, जो लोग अल्प बुद्धि वाले होते हैं, मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस, वर्शिप डेमिगॉड्स,
जो लोगों का बुद्धि कम होता है वो देवी देवताओं का पूजा करता है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो देवी देवता का पूजा करेगा वो देवी देवता के प्लैनेट में जाएगा, वो भगवान ईश्वर परम श्री कृष्ण के परम धाम में नहीं जा पाएगा। उसके इमीडिएटली बाद ये बोल रहे हैं, जो मुझे पूजा करेगा, मेरा भक्त बनेगा, वो मेरे पास आएगा। भगवद गीता 7.23 और भी प्रमाण है, देखिए भगवद गीता 9.25 में भगवान क्या बोलते हैं, यान्ति देव वृत देवन पितृम नियान्ति पितृवत भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्यज्ञ पीमाम। दोज वर्स डेमिगॉड्स विल टेक बर्थ अमंग डेमिगॉड्स। फिर से वह बता रहे, जो देवी देवताओं का पूजा करता है, चाहे वह इंद्र हो, चंद्र हो, दुर्गा हो, काली हो, वो कहां जाएगा, देवी देवताओं के जो प्लैनेट है वहां पे जाएगा। दो जो वर्शिप एंसेस्टर्स, अपने पितृलोक का जो पूजा करेगा वो पितृलोक में जाएगा। जो भूत प्रेत का पूजा करेगा वो उनके जगह जाएगा, और जो भगवान श्री कृष्ण का पूजा करेगा वो उनके पास जाएगा। तो मत अलग है, पथ भी अलग है। आप सारा पथ से एक मत तक नहीं पहुंच सकते, कृष्ण खुद बता रहे हैं। और भी एक प्रमाण है, देखिए गीता में क्या लिखते हैं 9.23 में, देखिए क्या करते हैं यहां पे भगवान बताते हैं कि दोज हु आर डिवोटी ऑफ अदर गॉड्स हु वर्शिप विथ फेथ एक्चुअली वर्शिप ओनली मी। भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवता का पूजा करते हैं वो एक्चुअली मेरा ही पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवता हो तो भगवान का सेवक ही है। लेकिन लास्ट में बोलते हैं अविधि पूर्वक इन रॉन्ग वे, वो लोग ये गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। भगवान बोल रहे हैं अविधि पूर्वक है। आप चाहे काली का पूजा कर सकते हैं, दुर्गा का पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैं काली का पूजा करके कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगा। नहीं, आप काली का पूजा करके इनडायरेक्टली कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीका है, ये भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पे। दिस इज अ रॉन्ग वे अविधि पूर्वकम। तो इसलिए भगवद गीता के प्रमाण के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि जतो मत ततो पद फिलोसफी डज नॉट होल्ड ट्रू। लेकिन जो लोग उसको मानते हैं हम उन्हें सम्मान करते हैं। ये दर्शन का लड़ाई है, ये लोगों के बीच का लड़ाई नहीं है। प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिए, ये दर्शन है। मैंने आपको प्रमाण दिया, अगर आप मुझे प्रमाण दे पाएंगे तो अच्छा है, हम लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मत लीजिए। हम लोग सब हिंदू है, हम लोग सब भाई भाई है, लेकिन जब दर्शन का आता है बात तो हम लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं। ऐसा हुआ शंकराचार्य के टाइम हुआ है, माधवाचार्य के टाइम हुआ है, रामानुजाचार्य के टाइम हुआ है, बहुत बड़े बड़े सिद्ध भक्त ने आर्गुमेंट किए हैं, तब कि ऐसा नहीं कि वो लोग शत्रु बन गया है, ये दर्शन का लड़ाई है। आइए आगे देखते हैं। और सिगरेट पीना गलत है। जो सिगरेट पी सकते हैं, जो मछली खाते हैं, वो महापुरुष योगी पुरुष कैसे होते हैं ना, यही तो आपने पूछा था ना, यही तो आपका प्रश्न था जिसके ऊपर बहुत ताली मिली थी आपको। हम क्या खाए, हम क्या पिए, इसे क्या जाता है प्रभु जी, क्या जाता है? आखिरकार हम पूछते किसको है, दिल से क्या पूछते हैं उसको, हमारे मन में क्या है? आप तो प्रकृति के नियम के खिलाफ बोल रहे थे, तो सबको छोड़ देना चाहिए मांस मछली खाना, मांस खाना, ये क्या सही बात है? कहां पे लिखा हुआ है, कौन सी धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है? भगवद गीता में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या लिखे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं 9.26 में, देखिए क्या बोल रहे भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मा भक्ते प्रयोच्छति तद अहम भक्ति उपहितम अश्नानी प्रयतो मनः। इफ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन लीव फ्लावर फूड वाटर आई विल एक्सेप्ट इट। भगवान खुद बोल रहे उन्हें क्या चाहिए। वो यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि मुझे माछम चाहिए, मुझे अंडम चाहिए, मुझे मांसम चाहिए, नहीं बोल रहे हैं। इस क्लियर कट गीता हमारा मैनुअल है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इंसान को क्या खाना चाहिए, शाकाहारी खाद्य खाना चाहिए, वो भगवान बता रहे हैं हमें यहाँ पे। केवल यहाँ पे नहीं, इसके बाद भी 17.10 में देखिए क्या बता रहे हैं भगवान। फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 आवर्स बिफोर बीइंग ईटन, food that is tasteless, decomposed and putrid, decomposed and putrid, bad smelling, मांस मछली चिकन मटन ये सब क्या होता है, मांस होता है ना, मांस
पक जाता है, रटन हो जाता है, बेड स्मेल करता है कुछ देर रहने के बाद। ये सब चीज एक सत्वगुण के लोग नहीं खा सकता। कृष्ण गीता में क्लियरली बता रहे हैं, इज डियर टू दोज हु आर इन मोड ऑफ डार्कनेस, जो लोग अंधेरा में है ना उनको ये सब अच्छा लगता है। कृष्ण जो बोल रहे हैं वो फैक्ट में प्रेजेंट करता हूं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं क्या खा रहा हूं क्या नहीं खा रहा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, कृष्ण यहां पे बोल रहे हैं। आइए आगे सुनते हैं। कोई ना कोई जीव हत्या करके, आप ये मानते जगदीश चंद्र बोस ने प्रमाण करके रखा, और पेड़ साग सब्जी में भी प्राण है, मतलब जब शाकाहारी होता है हम लोग मांस मछली मटन खाते, वो भी जैसे जीव हत्या करके खाते, हम लोग जो गर्व करते हम लोग शाकाहारी है, हम आध्यात्मिक जीवन यापन करते शाकाहारी होके। शाकाहारी मतलब क्या, कोई गाछ को तोड़ के, गाछ को छीन के उसको सब्जी बना के हम लोग खाना बनाते, मतलब वो भी एक प्राण को हम लोग नाश करके खाना करते, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक तो खाने के लिए आता, सब एक ही साग के लिए जैसे होता, साग सब्जी के लिए, अब मछली के लिए वही चिंता होना चाहिए। जो सामने मिलता, जो ईश्वर खाने का चीज बना के देता, उसमें कोई अंतर नहीं है। बोलने के जगदीश चंद्र बोस प्रमाण किए कि प्राण, पेड़ पौधों में भी प्राण है। प्राण तो है, यहाँ हम मानते हैं, एक एनिमल और प्लांट में डिफरेंस नहीं है। और आप अगर विज्ञान पढ़े होते तो आपको पता होता, एक होता है सेंटिएंट बीइंग, एक होता है नॉन सेंटिएंट बीइंग। एक जिसको पेन दर्द का महसूस होता है, एक जिसको दर्द का महसूस नहीं होता है, और होता भी होगा तो बहुत कम मात्रा में होता है, जो बहुत नेग्लिजिबल है। दर्द सहने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंस ऑर्गन होना चाहिए। यहाँ पे रिसेप्टर है हमारा, पेन रिसेप्टर। जब हम लोग चींटी काटते हैं, पेन रिसेप्टर से नर्व के थ्रू ये ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन से फिर नर्व के थ्रू आता है वहां पे, और हमें पेन का महसूस होता है और हम इसको सहलाते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है। आप एक पेड़ में दिखाइए ब्रेन कहां पे है, रिसेप्टर कहां पे है, नर्व्स कहां पे है। दर्द होगा तो वो उसको प्रकाश कैसे करेगा। थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए, आप कैसे एक एनिमल को एक प्लांट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक पशु को मारना जो चिल्ला रहा है, जिसे ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, और एक पेड़ से एक एप्पल को तोड़ना, वो दोनों सही है आपके लिए, ये आपका आर्गुमेंट है। और आप बता रहे हैं कि ईश्वर ने खाने के लिए जो दिया है, यही सब दिया हम लोग खाने के लिए। अरे ईश्वर ने जो दिया है मैंने बताया आपको, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ते प्रयोच्छति, साग सब्जी पानी मिल्क ये सब भगवान दिया हमें खाने के लिए, सात्विक शाकाहारी। भगवान खुद बोल रहे गीता पे, प्रमाण है। मान लीजिए कि उनके उनपे उनको पेन होता भी है कम, तो आप दिमाग तो लगाइए कहां पे कम वायलेंस हो रहा है, वो तो देखेंगे ना। शायद आप लोग मार्केटिंग करते करते यही भूल गए कि शिव जी जो कोई महापुरुष तो नहीं थे, वो तो देवादि देव देव हैं, हमारे महादेव। वो क्या पीते थे ऐसे लेके, गलत है, वो गलत था, आप ही कहिए वो गलत था। वो अपना तरफ से गांजा पीते थे, चरस पीते थे, उसका सेवा करने के लिए जो नंदी भिंगी था वो लोग भी क्या गलत कुछ काम कर रहा था। एक चीज बताना पड़ेगा आपको, श्री राम कृष्ण देव केंद्रिक जो भावधारा है, इसमें तामो उस टाइम का एक ऐसा एनर्जेटिक चीज था जो शिव का तरफ से आया था हम लोग के पास। आध्यात्मिक वो साधु संत आदमी पहाड़ पर्वत में गुहा में रहता था, वो लोग को दूसरा कुछ खाने का पीने का शौक नहीं था। वो नशा का चीज मिलने से भी कुछ नहीं है, ये नहीं है वो मिलने से वो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, नहीं मिलने से वो बहुत लॉस कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका ये था चिंता था जी, ईश्वर का कृपा का प्रसाद का स्वरूप गांजा पीते थे, वो चरस पीते थे, क्यों वो तामाक पीते थे, वो जानते थे जो अपना तरफ से जो बैराग का लक्ष्मण है वो एक्चुअली ईश्वर का मार्ग के लिए। आपको इसमें कोई गलती नहीं है, जो नशा का चीज आपको नशा ना पकड़ ले सका,
आप नशा को पकड़ लीजिए, ठीक है, नशा आपको पकड़ नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ ऐसा ऐसा आर्गुमेंट सुन के, अब क्या इसको एक्सप्लेन करूँ। आप शिव जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, शिव जी कौन थे? शिव जी वो है जो महाविष्णु का जो एक्सपांसन है, अंश सदाशिव, उनका अंग शंभु, उनका अंग शिव, वहां से रुद्र आते हैं। शिव जी के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? शिव जी तो वो है जो समुद्र मंथन के समय जो विष निकला उसको वो खा लिए, निगल लिए, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। आप बहुत आसानी से एग्जाम्पल दे दिए हैं शिव जी का। अरे शिव जी तो भगवान का सेवा कर रहे थे, शिव जी तो परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु परम वैष्णव है, भगवान के लिए वो सेवा कर रहे हैं। जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आकृष्ट करने के लिए वो वैसा वेशभूषा करते हैं। और ऐसा कोई भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि शिव जी गांजा पीते थे। आप दिखा दीजिए मुझे, गलत है, नशा करना गलत है। आपने क्या बोला लास्ट में? नशा आपकी जी, लेकिन नशा आपको अगर पकड़ लगे तो गलत है। अरे नशा एडिक्टिव होता है, ये कॉमन सेंस है, उससे एडिक्शन हो जाता है, फिर आप छोड़ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि आप आपके कंट्रोल में रहता है कि मैं नशा करूंगा मैं नहीं करूंगा, आप करते 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 एडिक्टेड हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जो आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि मैं आज करूंगा कल नहीं करूंगा। और जब एक साधु का बात करते हैं हम लोग ना, साधु का अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रहना चाहिए, मन में कंट्रोल रहना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में 16वां अध्याय बता रहे हैं, जहां पे वो बता रहे हैं कि डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर, जो लोग दिव्य प्रकृति के होते हैं, जो लोग साधु होते हैं, उनका क्या क्या नेचर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको प्रमाण के साथ, भगवान बता रहे हैं। देखिए जो डिवाइन, जो दिव्य पुरुष है, जो साधु होते हैं, वो उनका क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, देखिए, और नॉन वायलेंस, अपने इंद्रियों पर, और बहुत सारी चीजें हैं, ऑस्टेरिटी, तपस्या करते हैं, त्याग, क्लीनलीनेस, इतना बहुत सारी चीजें हैं। अरे मन पे अगर कंट्रोल नहीं है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या करेंगे लाइफ में हमारे? आप बोले कि मन अगर अच्छा तो सब अच्छा, मन अच्छा कैसे होगा? मन को जो इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? इंद्रियों से मिलता है। पांच इंद्रिय हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जहां से हम लोग ज्ञान आहरण करते हैं। एक है जिह्वा, जहां से हम लोग टेस्ट करते हैं। एक है स्मेल, एक है हियरिंग, विजन, टच। इस चीजों से हम लोग ज्ञान आहरण करते हैं और वो ज्ञान हमारे मन में रहता है। तो अगर आपका इंद्रियों में जो आप ले रहे हो अगर वो शुद्ध नहीं है, तो आपका मन कैसे शुद्ध होगा? अगर मन शुद्ध नहीं है तो आप आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ेंगे कैसे? कृष्ण खुद ही मना कर रहे हैं यहाँ पे। एक साधु, एक दिव्य पुरुष का क्वालिटी ये होना चाहिए, नॉन वायलेंस, अहिंसा, अपने लिए मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा। ऐसा एक एग्जांपल में हजार जगह भगवान बोल रहे हैं, अपने इंद्रियों में कंट्रोल करना है, अपने इंद्रियों में कंट्रोल करना है। और आप बोले नशा करना ठीक है, क्योंकि शिवजी करते थे, आप शिवजी के समान है, आप जहर खा सकते हैं, आप बीस खा सकते हैं शिवजी की तरह, आप शिवजी की तरह जाके स्मशान में रह सकते हैं, एक कपड़ा पहन के सांप लटका के रह सकते हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मैं एक ही बात जानता हूं, आपका पीना, आपका रहन सहन जैसा भी हो ना, आपका मन अगर शुद्ध है, आपका मन अगर भगवान की ओर है, अब भगवान की तरफ देखकर ही आप सब कुछ करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं जाता है। आप कुछ भी ना पी के भी बहुत गलत काम कर सकते हैं। इस बात का भी कोई बेसिस नहीं है, कोई शास्त्रीय रेफरेंस नहीं है कि आप कुछ भी खाइए, कुछ भी करिए, अगर आपका मन भगवान की तरफ है तो सब सही है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहां लिखा है? पहले मन को नियंत्रण करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास और वैराग्य के साथ अपने मन को पहले नियंत्रण में करो। मन को नियंत्रण करोगे तो इंद्रिय नियंत्रण होगे, इंद्रिय नियंत्रण होगे तो अपने इंद्रिय तृप्ति का जो आपका जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तब जाके आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये वेरी क्लियर कट है। आप जो बोल रहे इस बात का कोई बेसिस नहीं, कोई रेफरेंस तो दीजिए मुझे कि आप चाहे कुछ भी खाए, कुछ भी करें, अगर भगवान को करके कर, भगवान को याद करके मन में रख के कर रहे तो सब सही है। आप चोरी करेंगे जाके और बोलेंगे मैंने भगवान को मन में रख के किया तो वो सही है? आप किसी को जाके मर्डर कर देंगे बोलेंगे भगवान को याद करके किया वो सही है? प्लीज थोड़ा सा मैच्योर डिस्कशन कीजिए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए।
इतिहास को जानिए, इतिहास को समझे तो रहा। फुटबॉल खेलना कब अच्छा था? उन दिनों में जब अपना देश किसी परायों ने लूट लिया था, हम पराधीन थे। जब अपना देश पराधीन होता है ना, अपना मां जो जब किसी की शिकंज में होता है, तब आप गीता पाठ नहीं कर सकते, आप शास्त्र नहीं सुन सकते, वो सुनने के लिए अलग समय होता है। तब हमारे पास क्या समय था? वो यंग जनरेशन को उठाना, जगाना कि अब तो फुटबॉल खेलो, अपना बॉडी बनाओ। गीता पाठ करने के लिए अपने मन और अपने शरीर को बहुत ताकतवर होना पड़ता है। आपको फिजिकल एक्सरसाइज बिना आपको ताकत नहीं बढ़ेगा। विवेकानंद इसी के लिए बोला था, ये नहीं है गीता को अपमान करना, गीता को अपमान करने का उसका ये नहीं। एक साधु का कर्म क्या होता है? एक साधु का कर्म होता है इस संसार में जो लोग हैं उनको भगवान के करीब लेके जाना। अगर मान लो कि हमारा देश पराधीन है और मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास एक मरीज आता है ट्रीटमेंट के लिए, मैं इसे क्या बोलूंगा? मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, अभी देश पराधीन है, तुम जाओ लड़ाई करो, पहले लड़ाई करके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, ऐसे बोलूंगा क्या? मेरा प्रोफेशन है उसको ठीक करना। मैं इसको ये बोल सकता हूं कि तुम जाके देश के लिए अपना जान दे दो, लड़ाई करो, लेकिन अभी जो मेरा कर्म है कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा। तो साधु का ये कर्तव्य है कि उनको भगवान के बारे में बोले लोगों को, लेकिन ऐसा बोलना कि भगवद गीता मत पढ़ो और फुटबॉल खेलो, ये तो गीता का अपमान है और कृष्ण का भी अपमान है। आप बोल रहे उस टाइम में, किस टाइम में? उस टाइम में भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज भी थे, उस टाइम में भक्ति विनोद ठाकुर भी थे। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा है जो इंग्रेज के, जो ब्रिटिश के अंडर काम भी किए हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं बोले। भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसा कभी नहीं बोले, वो हमेशा फोकस दिए है कि स्पिरिचुअल नॉलेज और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सब कुछ है। गवर्नमेंट्स आते हैं जाते हैं, इवन जब प्रभुपाद उनसे मिलने गए, प्रभुपाद बोले हमारा देश तो, आप इनसे बोल रहे थे, हमारा देश तो अभी पराधीन है, ब्रिटिश उनको चला रहा है, गीता का मैसेज अभी कौन सुनेगा, पहले स्वाधीन होना पड़ेगा। तो उसको भक्ति सिद्धांत महाराज डांटे, भक्ति सिद्धांत महाराज कहे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो कृष्ण भावानुमित्त जो आध्यात्मिक रास्ता एक इमरजेंसी है, ये किसी एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंड नहीं कर सकता। ये जीवात्मा जो है इस संसार में कितने करोड़ों करोड़ों सालों से, करोड़ों जन्मों से कष्ट सह रहा है, इसको मुक्ति दिलाना एक साधु का कर्तव्य है। विवेकानंद साधु है, भगवद गीता को पढ़ने के लिए उनको बोलना चाहिए था, प्रेरणा देना चाहिए था, आप देश की लड़ाई करो, भगवद गीता ही पढ़ो। महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? भगवद गीता के माध्यम से ही वो देश का जो फ्रीडम फाइटिंग कर रहे थे ना। तो आप साधु होने के नाते आपका क्या डिफरेंस रहा? एक अगर पेट्रियोटिक इंसान है, लेफ्टिस्ट इंसान है, वो तो ऐसे ही बोलेगा ना, जो नास्तिक इंसान है, गीता छोड़ दो, फुटबॉल खेलो, लड़ाई करो। आप तो साधु है, आप ये बोलेंगे गीता के माध्यम से, गीता में जैसे अर्जुन लड़ाई किया, वैसे आप लोग देश को स्वाधीन करने के लिए अर्जुन से प्रेरणा लीजिए, लड़ाई कीजिए, आपको एनकरेज करना चाहिए था उस टाइम। उल्टा आप क्या बोले, आप गीता मत पढ़ो, आप फुटबॉल खेलो, ये कोई एक्सप्लेनेशन होता है क्या? एक वो ये बोल सकते हैं कि तुम नोवेल मत पढ़ो, कुछ साल पढ़ाई छोड़ दो। बंगाल में तो नोवेल पढ़ने का बहुत, लिखने का पढ़ने का बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। गीता, गीता को क्यों स्ट्रेस दे के बोल रहे गीता मत पढ़ो? विवेकानंद वेदांत के बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े स्कॉलर है वो, हम उन्हें बहुत बड़े स्कॉलर कह सकते हैं। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, ये पर्सनैलिटी के बीच लड़ाई नहीं है कि उनके फैन हमारे फैन के बीच लड़ाई हो रहा है, ये दर्शन का लड़ाई थी, ये फिलोसॉफी का लड़ाई थी। स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए उनको पढ़ो, वो क्या कहना चाहते वो जानो, अब क्या कह रहे हैं उनके बारे में जीसस ने जो, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं, रेफरेंस के साथ बोल रहे हैं, गीता का मैसेज बोल रहे हैं, वही मेरे लिए सब कुछ है। गीता में सब कुछ है ना, गीता तो मैनुअल है ह्यूमन लाइफ का। अगर गीता के अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है जो गीता के साथ मैच नहीं खाता है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं कर सकते। हम लोग विवेकानंद को रेस्पेक्ट करते हैं। कहां पे लिखा हुआ था शास्त्र में कि आप यूट्यूब में आओ और पैसे देके अपना एडवर्टाइजमेंट करो आपकी बात सुनने के लिए? शास्त्र में ये लिखा है कि भगवान का नाम को प्रचार करो, श्री कृष्ण का नाम को प्रचार करो। कृष्ण गीता में खुद ही बोलते हैं, जो मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरे वाणी का प्रचार करता है, वो सबसे मेरा प्रिय होता है।
तो चाहे वो यूट्यूब के माध्यम में प्रचार हो रहा है, फेसबुक के माध्यम में प्रचार हो रहा है, जाके भागवत कथा में प्रचार हो रहा है, ये शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं, भगवान का प्रचार इंपॉर्टेंट है, कैसे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा किया था, रामकृष्ण ने किया था, कहां से पता चला? क्या जानते आप रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के बारे में? कितना आपकी जानकारी है उनके बारे में? जो श्लोक जानते हैं? मुझे गीता के बारे में जानकारी है। कृष्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिराधि गोविंद, सर्व कारण कारणम। भागवत में कहते हैं एते चाम से कलापम से कृष्णस्तु भगवान स्वम। गीता बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवान कृष्ण के ऊपर कौन है? तो वो जो बोल रहे मैं उनको सुनूं, या कोई कंकोक्टेड मेंटल स्पेकुलेशन जो मन का भ्रम है वो कोई बोल रहे उसको मैं सुनूं? हरे कृष्णा, ये कोई पर्सनैलिटी के बीच लड़ाई नहीं है, ये रामकृष्ण मिशन के फॉलोअर्स इस्कॉन के फॉलोअर्स के बीच की लड़ाई नहीं है, ये तत्व का लड़ाई है, दर्शन का लड़ाई है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास कोई तथ्य ऐसा है जो शास्त्र सम्मत है, जो भागवत में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, जो भगवान का वाणी है, आप लाके मुझे दिखाइए, जो मैंने आपको एविडेंस दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। तो ऐसा डिबेट चलता है, कोई किसी का एनिमी नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, हम लोग सब मित्र है। लेकिन दर्शन के लेवल पर हम लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, ये भारत का फिलोसफी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।